हर घर में हर टाइम घी की डिमांड रहती ही है और हम सोचते हैं कि मलाई से ज्यादा घी कैसे निकालें। भाई सर्दियों का मौसम आ गया है और सर्दियों के मौसम में घी निकालने में जो आपको दिक्कत आती है उसको हम सॉल्व कर देते हैं और फटाफट से घी निकालने का प्रोसेस करते हैं। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी पता चलेगा कि रेसिपी मैंने कैसे बनाई है। तो यहाँ पर हमने ले ली है दूध की फ्रेश मलाई, मतलब मैंने 5 से 6 दिन तक स्टोर कर लिया था मलाई को, और मलाई को स्टोर करके मैं इसे फ्रिज से 1 घंटे पहले निकाल चुकी थी। तो मैंने ये नॉर्मल हो जाए इसलिए निकाल दिया था। अब पूरी मलाई को मैं भगोनी में डाल दूंगी और आप देख सकते हैं कि मलाई जो चिपकी हुई है इसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी डालूंगी और गर्म पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि जो मलाई चिपकी हुई है वो आसानी से उतर जाए। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद ये पानी मैं मलाई की भगोनी में डाल देती हूँ और आप देख सकते हैं मैंने विस्कर का यूज़ किया है। यहाँ पर आपके पास छोटा विस्कर हो या बड़ा विस्कर हो दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं। विस्कर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। तो यहाँ पर एक बार मैं इसे अच्छे से चला लूँगी, आप देख सकते हैं राउंड राउंड इस तरह से आपको घुमाना है ताकि कोई लम्प्स ना रहे और जो हम दही जमाने का प्रोसेस करेंगे वो बहुत ही शानदार तरीके से जमे। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको विस्कर से एक ही डायरेक्शन में फटाफट से चलाना है और चलाकर गैस पर रख देना है। भगोनी को मैं टच करके भी बताती हूँ कि ये ठंडी ठंडी हो रही है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने भगोनी को टच किया है और टच करने के बाद आप देख सकते हैं इसे हमें ज़्यादा गर्म बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल गर्म करना है। ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जानी चाहिए फ्रेंड्स। तो मैंने ये सारा काम जो कर रही हूँ मैं नाइट में कर रही हूँ, नाइट में ही इसे जमा कर रख दूँगी और मॉर्निंग में बिलो कर छाछ बनाऊँगी और उसके बाद घी की पूरी रेसिपी बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है वो नाइट में हो रहा है। तो जब कभी भी आपको छाछ बनानी हो, क्योंकि छाछ मॉर्निंग में ही काम आती है मोस्टली, तो मैं इस तरह से ही नाइट में जमा देती हूँ और मॉर्निंग में दही को मतलब बिलो कर और छाछ बना लेती हूँ और उससे घी निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से एक बार इसे आप चला लीजिए और टेम्परेचर को देख लीजिए कि ये गर्म हो गया है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर गाढ़ा गाढ़ा दही लेने के लिए सरस का दही यूज़ किया है। आपके पास घर में जो दही हो बट मीठा होना चाहिए तभी आपकी छाछ मीठी बनेगी। तो मैं 1 चम्मच डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर दूंगी। जब भी आप मलाई को गर्म करें तो गैस की फ्लेम को लो मीडियम पर सेट करते हुए लगातार चलाते जाएं। अगर आपने इसे लगातार नहीं चलाया तो ये पैंदे से चिपक भी सकता है। तो मैंने इसे ढक कर रख दिया है, जमा कर रख दिया है। आप सोचेंगे कि मैंने इसे जमा कर कहाँ रखा, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने इसे आटे के पीपे में रखा था क्योंकि आटे के पीपे में गर्माश होती है और ओवरनाइट मैंने इसे आटे के पीपे में रखा था। आप भी ये टिप्स फ्रेंड्स फॉलो करके देखना कि आपके लिए भी ये प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो मैं तो इसी तरीके से दही जमाती हूँ। जब कभी भी मुझे दही जमाना होता है तो मैं आटे के पीपे में रख देती हूँ तो शानदार वाला चक्की वाला दही जमता है। हमारा यहाँ पर मलाई का जो दही है वो जम चुका है और इसको बिलोने के लिए मैं ग्राइंडर का यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स ग्राइंडर सबके घर में अवेलेबल होता ही है और मैं इसे इस तरह से रुक रुक कर चलाऊँगी और आप देख सकते हैं मैंने भगोनी का यूज़ किया है बिकॉज अगर हमने भगोनी नहीं ली तो छींटे पड़ेंगे तो वो बाहर तक आएंगे। तो इसी का रीज़न है कि मैं भगोनी में ही जब भी मलाई बिलोती हूँ तो भगोनी का यूज़ करती हूँ। पहले के ज़माने में क्या होता था, हमारी दादी जो नानी होती थी वो मलाई को बिलोकर घी निकालती थी तो रई का यूज़ करती थी और घुमा घुमा कर गोल गोल इस तरह से पूरा मक्खन भी निकाल लेती थी और भाई छाछ भी बना लेती थी। पर आज के टाइम में हमारे पास टाइम कम है और काम ज़्यादा है, हम चाहे तो विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं कहना चाह रही हूँ कि महिलाओं के पास काम ज़्यादा है और टाइम कम है, वर्किंग वूमन होने के साथ साथ वो पूरा घर संभालती हैं। तो इस तरह से ग्राइंडर का यूज़ करके आप फटाफट से 5 ही मिनट में घी निकाल सकती हैं। तो बस मैं इस तरह से इसे लगातार चलाती जाऊंगी और लगातार चलाने से क्या होगा ना, ये फटाफट से मक्खन ऊपर आ जाएगा और छाछ जो है वो हमारी नीचे रह जाएगी। इससे पहले भी मैंने दूध की मलाई से ईजी वे में घी कैसे निकालें ताकि हमें मावा भी मिल सके और फ्रेंड्स मैंने वहाँ पर दही जमाया था। तो आप मेरा फुल वीडियो मेरे चैनल पे देखिएगा, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखेंगे ना तभी पता चलेगा कि मैंने दूध की मलाई से घी कैसे निकाला है। कभी कभी क्या होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है हम ग्राइंडर को चलाते जाते हैं बट मक्खन निकल ही नहीं पाता है। हम सोचते हैं मक्खन अब निकल जाए अब निकल जाए बट वो निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं बिकॉज मौसम पे डिपेंड करता है हम घी कैसे निकाल रहे हैं। अगर सर्दियों का सीज़न है तो इसमें हम गुनगुना पानी डाल सकते हैं।
अभी चल रहा है मौसम नवंबर का, मतलब सर्दियां पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुई हैं, तो इस टाइम हमें क्या करना है, ना ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी है, बीच का मौसम है, तो उस टाइम हमें क्या करना है, जब घी ना निकले ना तो आप इसमें आइस क्यूब डालें। आइस क्यूब डालने से फटाफट से हमारा जो मक्खन है वो बाहर निकल कर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और जो छाछ है वो नीचे रह जाएगी। तो इस तरह से मैंने 4 आइस क्यूब लिए, तो धीरे धीरे हम रुक रुक कर आइस क्यूब डालेंगे और इसे चलाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसे लगातार चलाते जाइएगा, जैसे जैसे हम इसे चलाएंगे टॉप से आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मक्खन ऊपर आ गया है, तो बस थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया है, थिक हो गया, थिक कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो गया है, तो इसमें हम आइस क्यूब और डाल देते हैं तो फटाफट से हमारा काम रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से बस चलाते जाइए, और अच्छे से चलाते जाएंगे ना तो देखो मक्खन ऊपर आ रहा है ना, तो ये मेल्टेड मक्खन है, तो बस थोड़ा सा चलाएंगे तो ये थिक कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तब कभी भी आप घी निकालें तो फ्रेंड्स आपके पैरों में स्लीपर होनी चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं तो स्लीपर पहनकर ही करें। और आप देख सकते हैं मैंने स्विच को ऑफ़ कर दिया है, और ऑफ़ करने के जस्ट बाद मैं ये ग्राइंडर मशीन का ही यूज़ करके इसे राउंड राउंड घुमाती जा रही हूँ। मक्खन निकालते वक्त मैं बिल्कुल भी मक्खन को टच नहीं करूँगी, विदाउट टच करके ही मैं पूरा प्रोसेस करूँगी, आप देखिएगा। और आप देख सकते हैं जो हमारा मक्खन है ना वो टॉप से ऊपर आ गया है, और नीचे हमारी छाछ बनकर रेडी हो जाएगी। तो बस इस तरह से चलाइए, और चलाते चलाते आप देखिए, अगर आपको लगता है कि जो हमारा मक्खन है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं बना है, मतलब थोड़ा सा मेल्टेड है, तो इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब और डाल दीजिए। फ्रेंड्स ये आप पे डिपेंड करता है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रही हूँ कैसे कैसे क्या करना है। अगर आपको लगता है थोड़ी सी आइस क्यूब और डाल सकती है तो फटाफट से थोड़ी सी आइस क्यूब डाल दीजिए, और आइस क्यूब डालने के जस्ट बाद इसे थोड़ा सा और चला लीजिए। यहाँ पर आप चला रहे ना तो देख रहे ना टॉप से हमारा मक्खन आ गया है और छाछ अलग से सेपरेट हो गई है, और ये जो छाछ है ना बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज इससे हम कढ़ी बना सकते हैं, इडली का बैटर बना सकते हैं, या इसको पी लीजिए, पीने में इतनी मीठी है कि मज़ा आ जाएगा आपको पीने में। तो मैं छाछ का भी बताऊंगी कि किस तरह से आप छाछ को सर्व करें। तो आप देख सकते हैं सारा मक्खन जो है वो बाहर निकल कर आ गया है। ग्राइंडर मशीन को मैंने साइड में रख दिया है, और चलनी, तलने वाली जो चम्मच आती है ना चलनी वाली, वो मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि जो हमारी छाछ है वो अलग हो जाए और मक्खन अलग हो जाए। तो इस तरह से आप इस मक्खन को बच्चों को भी खिला सकते हैं, रोटी पर चपाती पर भी लगा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, और बच्चों को मक्खन बहुत ही पसंद होता है। तो इस तरह से सेपरेट कर लीजिए। ये सॉफ्ट एंड क्रीमी मक्खन को मैंने ट्रांसफर कर लिया है कढ़ाई में, और साथ ही में जो नीचे बच गई है वो छाछ है, देसी छाछ जो सबको बहुत ही पसंद होती है। तो कढ़ाई में मैंने सारा मक्खन डाल दिया है एक बार के लिए, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा छाछ बच गई है वो अलग हो जाए। यहाँ पर मैं कढ़ाई में 1 कप पानी डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि जो एक्स्ट्रा छाछ इसमें होगी ना वो निकल जाएगी। और इसको करने से क्या होगा ना, हमारी गैस भी कंज्यूम कम होगी, और जो हमारा मक्खन से घी निकालने का प्रोसेस है वो फटाफट से हो जाएगा। साथ ही मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, जब कभी भी आप मक्खन से घी निकालने का प्रोसेस करें तो हैवी बॉटम की कढ़ाई का यूज़ करें। हैवी बॉटम की कढ़ाई का यूज़ करने से क्या होगा ना, घी हमारा पैंजे से बिल्कुल भी नहीं लगेगा, और साथ ही में हमें रेगुलरली चलाना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो जो मावा होता है वो जल जल कर ब्लैक हो जाता है। तो प्लीज़ आप हैवी बॉटम की कढ़ाई का यूज़ करें, और साथ ही में बड़ी कढ़ाई का यूज़ करें। बड़ी कढ़ाई यूज़ करने से क्या होगा ना, हमारा जो घी का निकालने का प्रोसेस है वो फटाफट से होगा। और ये जो छाछ निकली है इसको मैं भगोनी में डाल दूंगी, और ये जो छाछ है ना मीठी मीठी, इसको आप दलिया खिचड़ी में भी काम ले सकते हैं। और साथ ही में सारी छाछ को निकाल कर इस तरह से हमने बिल्कुल भी हाथ टच नहीं किया है फ्रेंड्स, और सारा मक्खन एक तरफ कर लिया है। तो देखा आपने कितना आसान है, घर का बना हुआ शुद्ध देशी मक्खन मिल गया है हमें। वाव कितना सॉफ्ट एंड क्रीमी है ना, तो कितनी इजी रेसिपी से हमने फटाफट से मक्खन बनाकर रेडी कर लिया है। और ये जो मक्खन की रेसिपी है ना बहुत काम आएगी आपको। कमेंट करके फटाफट से बताइए कि आप भी इस तरह से मक्खन निकालते हैं क्या, मक्खन से घी निकालने का जो प्रोसेस करेंगे वो इसी कढ़ाई में करेंगे, और निकाल कर सारा मक्खन हम कढ़ाई में डाल देंगे और गैस की फ्लेम को लो मीडियम पर सेट कर देंगे। लो मीडियम पर सेट करने से क्या होगा ना, हमारा फटाफट से मक्खन बनकर रेडी हो जाएगा। तो सारा जो बाउल है उस पर से मक्खन उतार लेते हैं, और थोड़ा सा जो मक्खन हमारे हाथों में लग गया है ना इसे हम रब कर लेंगे ताकि जो हाथों की एक्सरसाइज हुई थी वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए और हमारे हाथ जो है वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर मैंने ग्राइंडर मशीन का यूज़ किया था, तो ग्राइंडर मशीन को थोड़ा सा जब घी गर्म हो जाए तो इसी में ही डालकर फटाफट से घी उतार लूँगी ताकि जो हमारा ग्राइंडर मशीन में जो घी चिपका हुआ है वो यूज़ हो जाए।
और सारा जो मक्खन हमारा चिपका हुआ था ग्राइंडर मशीन पे वो इजीली उतर गया है। तो आप देख सकते हैं सारा का सारा मक्खन हमने उतार लिया है और थोड़ा सा जो टॉप की साइड पे लग रहा है ना उससे हम हाथों से क्लीन कर लेंगे। हाथों से क्लीन करने से क्या होगा ना, बिल्कुल भी हमारा जो मक्खन है वो वेस्ट नहीं जाएगा। और आप देख सकते हैं मैंने बोला था आपको हैवी बॉटम की कढ़ाई का यूज़ करना है और बड़ी कढ़ाई का यूज़ करना है। देखिए कितना उफन उफन कर आ रहा है। इस तरह से उफन कर कभी कभी क्या होता है, हम ध्यान नहीं देते, उस टाइम हमारा पूरा का पूरा मक्खन उफन कर बाहर निकल सकता है और हमारा काम बिगड़ सकता है। तो प्लीज़ आप पूरा का पूरा कंसंट्रेशन एक बार के लिए तो मक्खन पर ही रखिए, नहीं तो जो हमारा मक्खन है हमने इसे रेगुलरली नहीं चलाया तो ये पैंजे से लग भी सकता है। तो बस लगातार चलाते जाइए और 5-6 मिनट में हमारा मक्खन से घी बनकर रेडी हो जाएगा। इतना इजी प्रोसेस है ना फ्रेंड्स, फटाफट से घी निकालने का। कभी आपने देखा है, कभी आपने सुना है कि इस तरह से भी हम घी निकालते हैं? देखा है और सुना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और साथ ही में ये भी बताइए कि ये जो घी निकालने का प्रोसेस है ये आपको कैसा लगा। गैस की फ्लेम को लो मीडियम पर सेट करते हुए पैंदे से और किनारियों से इसे हम लगातार चलाते जाएंगे। लगातार चलाते रहने से क्या होगा ना, फटाफट से मक्खन से घी निकलने का जो प्रोसेस है वो फटाफट से होगा। और आप सोच भी नहीं सकते, घर का बना हुआ शुद्ध देशी घी, इसकी बहुत डिमांड होती है। तो फटाफट से आप देख सकते हैं हमने सारा का सारा घी निकाल लिया है। जब हम बाजार से मार्केट से घी परचेस करके लाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मिलावट तो होती ही है, बट घर के घी की बात ही कुछ और होती है क्योंकि उसमें खुशबू भी शानदार आती है और हमारे हाथों की खुशबू भी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हम लगातार चलाते जा रहे हैं और टू ही मिनट्स में फटाफट से हमारे घी निकालने का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो जाएगा। लास्ट में आते आते घी हमारा छींटे देने लगेगा और घी छींटे देने लगे तो बड़ी ही सावधानी से आप इसे अच्छे से मिक्स करते हुए लगातार चलाते जाइए, नहीं तो ये उफन उफन कर बाहर आएगा। और साथ ही में आप देख सकते हैं जो ये मावेदार टेक्सचर है वो अलग हो जाएगा और घी हमारा सेपरेट हो जाएगा। इस स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे। कढ़ाई अभी भी गर्म है फ्रेंड्स, तो इसी में ही इसे लगातार चलाते जाएंगे और लगातार चलाते रहने से क्या होगा ना, जो घी है वो टॉप लेवल पर आ जाएगा और जो मावार वाला टेक्सचर है वो नीचे रह जाएगा पैंदे में। और कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है जल्दीबाजी में हमारा घी निकल गया है बट घी प्रॉपर नहीं निकलता है। तो उस टाइम क्या कीजिएगा, जब भी आप रोटी चपाती बनाते हैं तो सारा काम फिनिश हो जाता है तो तवा हमारा गर्म रहता है, तो तवे पर ये कढ़ाई रख दीजिए तो पूरा का पूरा घी टॉप लेवल पर आ जाएगा और जो मावे वाला टेक्सचर है वह बॉटम पार्ट में रह जाएगा। इस स्टेज पर हम घी को कढ़ाई में ही रहने देंगे और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के जस्ट बाद इसे हम छानेंगे, ठहरने देंगे इसे फ्रेंड्स, ताकि जो बॉटम पार्ट में मावा है वो इकट्ठा हो जाए और साथ ही में जो हमने छाछ बनाई थी उसको कैसे सर्व करना है फटाफट से देख लेते हैं जब तक हमारा घी भी ठंडा हो जाएगा। अब छाछ में हम 1/4 teaspoon सेंधा नमक, 1/4 teaspoon काला नमक और 1/4 teaspoon सिका हुआ जीरा, पहले से ही मैंने इसे सेक लिया था, और 1/4 teaspoon यहाँ पर हम पुदीना पाउडर डाल देंगे, ड्राई पुदीना पाउडर, और साथ ही में 1/8 teaspoon यहाँ पर हम हींग डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के जस्ट बाद इसे हम मेज़र कर लेते हैं कि कितनी छाछ हमें मिली है। तो फ्रेंड्स 500 ml का जो एक कप है इसमें हमने छाछ डाल दी है और हमें 500 ml छाछ मिल गई है। तो इसे फटाफट से उलट सुलट करके फटाफट से सर्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शानदार वाली गाढ़ी गाढ़ी छाछ बनकर रेडी है और घी भी हमारा ठंडा हो गया है। इसे हम छान लेते हैं, मैंने बोला था इसे थोड़ा सा ठहरने देंगे, ठहर गया ये और ऊपर से टॉप से घी आ गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने चाय चन्नी जो होती है वो ली है, ये बिल्कुल भी चाय में यूज़ नहीं करती हूँ मैं, अलग से सेपरेट रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बाउल ले लिया है और इस तरह से ऊपर से टॉप से उठाएंगे और यहाँ पर हम घी को पूरी तरीके से छान लेंगे। और थोड़ा थोड़ा मावा आ भी जाता है तो कोई बात नहीं है, ये पका हुआ मावा है फ्रेंड्स, तो टॉप पे ही रहेगा चलनी के। तो जब भी आप घी छाने तो एकदम बारीक चलनी का यूज़ करें, या जो सूती कपड़ा होता है ना वो भी आप ले सकते हैं, एकदम साफ़ सुथरा वाइट कलर का सूती कपड़े से भी आप घी को छान सकते हैं। और ये जो मावा है इसको मैं बाहर निकाल लूँगी ताकि मुझे घी निकालने में दिक्कत ना आए। तो बस इस तरह से करिए और फटाफट से मैं इसे बाउल में सर्व कर लूँगी, बाउल में अलग से रख लूँगी इस तरह से, और फ्रेंड्स फटाफट से पूरा का पूरा घी छान लूँगी।
और साथ ही में आप देख सकते हैं पैंदी से बिल्कुल भी नहीं चिपका है हमारा फ्रेंड्स की, और साथ ही में सारा मावा टॉप लेवल पर आ गया है। तो इस मावे को, ये दही से निकला हुआ मावा है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी इसके लड्डू ना बनाएं, ये सब्जियों में काम आ सकता है, आटा गूंथने में थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं ताकि जो हमारी सब्जी और रोटी है वो एकदम क्रीमी और सॉफ्ट बने। तो फटाफट से हम छाछ को भी सर्व करेंगे इस तरह से। छाछ को हम पुदीना पत्ती से गार्निश कर देंगे इस तरह से, और गार्निश करने के जस्ट बाद आप देख सकते हैं इसकी लुकिंग और भी ज़्यादा परफेक्ट हो गई है, नीचे डिप हो रही है, और साथ ही में यहाँ पर हमारा जो घी निकालने का प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है और घी बनकर रेडी हो गया है। तो देखा आपने कितना आसान है, दूध की मलाई को, 5-6 दिन की मलाई को हमने जमा कर, दही जमा कर फटाफट से छाछ बना ली, मावा निकाल लिया, मक्खन निकाल लिया, घी निकाल लिया, भाई बहुत सारे काम एक ही प्रोसेस में हमने कर लिए हैं। तो आज की रेसिपी को आज ही ट्राई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड बाय।